अगर ये मम्मी का होता ना, मम्मी मम्मी सच्चा नाम दे दिया मैंने गाइस मैंने ओके ओके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए एंड आई एम रेडी रेडी रेडी। चलो बुगा भैया 5G है बस। एक वीडियो हो सकती है हमारे साथ कि हमारी जो एक्टिविटी का लास्ट टाइम 6 बजे है, ऑलरेडी 5:05 हो चुके हैं और यहाँ से जाने में भी तो चलो राइट लगाते ही कम हो गया एकदम 17 मिनट होगी। तो यहाँ से हम जल्दी से पहुँच जाते हैं, 5:20 तक भी पहुँच गए तो कर सकते हैं इनफ हम 40-50 मिनट्स। फिर जो हमारी 8 बजे वाली एक्टिविटी ना वो अब साथ ही ख़त्म कर देंगे इसके बाद। ओके थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग करने वाले अपनी सेकेंड एक्टिविटी विच इज़ क्रिस्टल क्लियर वाटर स्पोर्ट। क्रिस्टल क्लियर वाटर स्पोर्ट इन वाली बोट्स में शायद हम जाने वाले हैं। क्या सीन है? तो ये हमारी कायाक जा रही है जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर कायाक, मतलब वाटर स्पोर्ट है। और हम अंदर बैठ के कैनो कैकिंग इसको बोलते हैं बेसिकली हमारे यहाँ। तो अब देखूंगा वही सीन है कि चप्पू चलाएंगे बैठ के और बहुत कूल वाइब है। तो वहाँ से इन्होंने अपनी बोट कैरी करी, उसके बाद ये हमें लेके जा रहे हैं अपने साथ। बीच साइड हम जाएंगे, ऐसी कुछ वाइब है। वो मैंने आपके लिए भी रेडी करवा दिया डिनर का प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा लग रहा है। It's very easy. It's very easy. So we are going to use from here up to the other side of the bridge. That's it. We go along. You need a help? इन्होंने बोला कि आप अकेले के लिए जाओ और साथ नहीं जाएगा कोई, इजी है। फिर हमने डिसीजन लिया कि अगर अकेले के लिए जाना तो दोनों साथ चलते हैं। ये होता है ट्रांसपेरेंट काया का फायदा, मतलब आप लोग नीचे देख सकते हो, नीचे अगर कोई फिश आ रही हो उसे देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे इस चीज को। सबसे थोड़ा सा दिन में आना, हमने गलती करी थोड़ा सा लेट आई इसलिए फिश हमें अच्छे से दिख नहीं पा रही है। बेस्ट चीज पता क्या लगी इसकी कि प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है कि आप दो बंदे हो ना या अकेले हो तो आप अकेले आओ, अगर आप दो बंदे हो आप दोनों आओ। अब खुशी ने मैंने एक दूसरे की तरफ मुंह कर लिया है तो हम इसको लाइक अब जैसे खुशी थी खुशी नहीं फोर्स लगा पा रही थी तो मैं ऐसे फोर्स लगा के मैं चला रहा था इसको। आप इसे एक बार एक काम करो उस वाले तक लेके जाओ वो जहाँ येलो वाला बोर्ड लगा हुआ है वो। रिवर्स के लिए क्या बोला था? ऐसे पानी को दिखेला। गाइस हम फंस चुके हैं यहाँ है, पानी तो वो अलग था ये अलग था, फिर कैसे बोर्ड को पानी से क्या मतलब है? बोर्ड को पता मेरा पानी है वो। प्लीज इन द हाउस है भाई। और यार आप कितनी अच्छे से चलाते हो, आपने कहाँ सीखी? नाइट राइडर से बैठा हूँ। देखो हम कलम से कितना आगे, लेकिन उनसे पहले पूछा था हूँ नेक्स्ट सीट पे। पक्का? अगर वो भगा के भी दिखा दें चाहिए। ठीक है। हाँ तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ना इस मामले में शायद। हाउ वाज इट बुगू? ऑसम एक्सपीरियंस, ऑसम एक्सपीरियंस। आज का दिन तो अमृत दिन हो गया, अमृत दिन। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर ली, मजा आ गया। अभी एक और बाकी है हमारी। तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जैसे अब वो वहाँ देखो उस तरफ वाला व्यू देखो, मतलब ये जगह ना जीने के लिए बहुत कूल है। सेटअप कैसा लग, कब लगवा रहे हो? बाबा मैंने तो ये लगवा के भी छोड़ दिया आपके लिए, मैं तो इनसे बहुत ऊपर निकल गया। हाँ, वो तो मुझे पता है। बहुत प्रीमियम लगा दी मैंने तो अपनी कैटेगरी अब। तो अभी हम चलते हैं, भैया हमारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी से गाड़ी उठाते हैं, उनकी गाड़ी में बैठते हैं। और एक चीज़ और है, हाथ में शूज है पिछले 2 मिनट से और रोड्स इतने क्लीन है कि हम लोग नंगे पैर जा रहे हैं। मैं तो चुप भी नहीं रहा, ऐसा होता है ना बहुत बार कि आपको कुछ चुप जाता है तो कुछ नहीं है। अभी हम स्मैश रूम आ चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सादा है, आ जाओ काम समझे आप समझे। बेसिकली यहाँ से ना ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते, मोबाइल फोन चाहिए तो वो उठाओ और उसको तोड़ो, फिर आप अंदर तोड़ना है। हाँ अंदर तोड़ना नहीं जा सकता, नहीं मार के तोड़ना है। हम गिरते नहीं होते बिना स्मैश इनसाइडर रूम का। सो यू गोना इन गोना बी टुगेदर एंड यू गोना स्मैश 30 ग्लासेस लाइक दिस। ओके, दिस ग्लासेस यू कैन थ्रो इन द वॉल और यू कैन स्मैश यूज दोस वेपन ओवर है। ओके ओके, बट डोंट थ्रो टू ईच अदर। या चीजें तोड़ फोड़ मचा देंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ तोड़ फोड़ मचाने के लिए आए हैं, तोड़ फोड़ मचाने के लिए आए, मतलब हम लोग यहाँ से PSP और ये सब गेम्स ग्लास ये TFT ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। मैं आपका सिर ना फोड़ दूं आज। क्यों?
बेसिकली आपको समझ में आ गया स्मैश रूम का मतलब है आप लोगों को यहाँ से आइटम्स परचेज करने हैं, फिर उसके बाद आप तोड़फोड़ मचा दो अंदर जाके, उसकी अगर आप फुटेज चाहते हैं फुटेज आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वाइब कैसी है यहाँ। सो यहाँ से आप लोगों को स्टिक कैरी करनी है जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या क्या फील के लिए लगाया हुआ है। ओह माय गॉड, तो ये है कुछ वाइब ऐसी स्मैश रूम की। और यहाँ पे बहुत हॉरर हॉरर फेसेस लगाए हुए हैं, लाइक दिस इस टाइप के हॉरर फेसेस हैं यहाँ पे। और ये फिर रूम्स बनाए हुए हैं, इनमें जाके आपको तोड़फोड़ शुरू करनी है, लाइक जैसे आप देख सकते हो तोड़फोड़ मचाओ, इसमें तोड़फोड़ चल रही है ऑलरेडी। ये देखो, आर यू एक्साइटेड बेबी? कितना बुगा, आप में इतना गुस्सा तो है नहीं, आप क्यों रेडी हो रही हो सबके लिए? ग्लास में कैच कराना, मैं मारूंगा बड़ा बड़ा। बिकड़ी पहन रही है यहाँ पे अपनी ड्रेस, और ये हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी, बहुत मजा आने वाला है आज तो। आज आज तो अभी जाके वहाँ चलेंगे थोड़ी देर के लिए। डबल सेफ्टी ऐसा लग रहा है जैसे हम ना वो वहाँ जाने वाले हैं ऊपर। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब स्मैश करने वाले हैं। वी आर रेडी फॉर स्मैश। चूज एनी वेपन यू लाइक। सेल का जैसे मैं इसमें एंटर किया मुझे सीन समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। ये सबसे कूलेस्ट लड़की है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा मैं सबको समझा दूँ वीके फैम को यार, बेसिकली स्मैश रूम का सीन क्या है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सीन अभी ये है कि आप लोग स्मैश वी के अंदर आओ, मतलब स्मैश रूम के अंदर आओ, फिर आप जो भी आपका प्रोडक्ट पसंद है उनको परचेज करो, मतलब ले लो, आप उनके प्राइसिंग लिखी हुई है, उसके बाद डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू उनके साथ, दे के बल्ले मारो, सीन मारो, हाथ मारो, पैर। जैसे मैं ये हूँ तो मैं यहाँ पे लाइक ऐसे कर सकता हूँ, मतलब इस रूम के अंदर मैं अपनी वो पड़ास निकाल सकता हूँ। अब देखना ये एक ग्लास है, यू कैन होल्ड माई फोन, आप इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, ये मेरा फोन है। अगर ये मम्मी का होता ना, मम्मी कंप्यूटर मार ले, मम्मी आज मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ तोड़ दूंगा इस कमरे में जो आया। पीसी दिस पीसी, यू लाइक दिस पीसी? यू लाइक दिस पीसी? नो नो, आई डोंट लाइक दिस पीसी। ये किसका फोन है? ये विवेक का फोन है। जब ये रात में मेरी नहीं सुनते, फोन नहीं बंद करते। कैसा है?
now. She's getting with this girl. Yeah. Oh my god. Kushi, bhai, meri phat gayi thi. Main abhi to kaise khichu. Main. Oh, sorry. Seen it three times and still get scared. यार क्या feel है आगा? Like इन्होंने सारी चीजें ऐसे manage करी हुई है कि डर लगता है चीजें देख के भाई. Back to hotel. एक बार हम लोग ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए. थैंक यू सो मच. सबसे प्यारी वाली टेबल हमें दी है. वाओ. अभी हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए और बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है क्योंकि हालत ख़राब हो रही है. सुबह से घूम घूम के बुरा हाल हो रखा है. एंड इन्होंने हमें गाइड करा एंड ये भी मेरी तारीफ करती है. हेलो तो नींबू पानी सच्चा नाम दे दिया मैंने. गाइस पनीर मैंने कुछ तो पनीर में मंगाया था. ये क्या आया मुझे समझ नहीं. मुझे एक बार इनके सामने ऐसी आ गई कि इन्होंने पनीर कहा था. ये है कहा लेकिन ये तो पापा हंसते हैं. पनीर तो है नहीं कुछ और ही पापड़ है शायद. तो जो खुशी ने अजीबो गरीब चीज़ मंगाई थी मैं टेस्ट बताता हूँ उसका. बेसिकली ये साइज में तो बड़ा है इसके अंदर इतनी चीज़. टेस्ट बहुत बेकार है इसका. ओके ओके शायद मैंने रायता ऑर्डर किया था. रायता ये आपको जो बाहर से रायता लग रहा होगा इसका बहुत बेकार टेस्ट है. रोटी आ गई है दाल आ गई है अब देखते हैं क्या होता है. या बेटा कैसा है फूड. ऑसम फूड बेटा. ऑसम या थैंक यू सो मच ब्रो. सो फिलहाल एडिटिंग होती है डन एंड खुशी सो चुकी है. रिसेप्शन से कॉल आया था कि संतोष साहिल को लेके आ चुका है. उसे नहीं पता साहिल को कि हम लोग दुबई आ रखे हैं. अगर आप लोग को साहिल के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देता हूँ. तो आप लोग व्लॉग को जाके देखो तब आप लोगों को पता लगेगा मैं किस साहिल की बात कर रहा हूँ. ये क्या सब चल रहा है. काफ़ी टाइम लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में अदरवाइज. सो आप जल्दी जाओ एंड डिस्क्रिप्शन में जाके व्लॉग को देख लो. एंड अभी मैं चलता हूँ उसको सरप्राइज़ देते हैं हम लोग. और सच में भाई लस्सी होगी. मेरा सुबह का कॉल टाइम जो है वो मॉर्निंग का है. पहले मेरा फ़ोन रह गया. फ़ोन लेके आता हूँ. शिट खुशी अभी बहुत मन था मिलने का लेकिन यार वो बहुत मुश्किल से सो पाई. यार देयर द मॉन्स्टर बिहाइंड द वॉल. सो चलते हैं उसको सरप्राइज देते हैं नीचे. तो वहाँ है संतोष. संतोष क्या हाल है लड़के. संतोष को बोल रहा और तूने मुझे देख लिया. क्या है संतोष भाई. यार मेरी इतनी तगड़ी आंख लगी जाने मन. मैं क्या कह रहा हूँ मेरी इतनी तगड़ी आंख लगी. मैं आउट और मेरे कॉन के पास फोन बज रहा है वो पीएनटी ड्रॉइंग ड्रॉइंग. लगा तुम वहाँ खड़े थे ना. मुझे लगा मैं इधर से जाऊंगा. क्या पता वो यहाँ बैठा रखा हो तुमने. अब ये बैठा था चालीम यहाँ. मैंने इसके अंदर बैठा रखा था ताकि ये इधर उधर ना देख सके. मैं चुपचाप उधर से आया तो इसने देख लिया यार मुझे. और बता सही सब सेट है बाबू. बैठ के मैं देख ही रहा था किधर से आएंगे. मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर. मैं ऊपर देख रहा था मैं कि सबसे पहले तो ऊपर खड़े होंगे. मुझे साले तेरे चक्कर में व्लॉग नहीं डाला मैंने कल भाई. मतलब आज पूरा दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉग नहीं डाला. कितने मैसेज वगैरह कॉल वगैरह बोला था. आपकी बात तो यकीन कर लिया था मैंने. थैंक यू फॉर कमिंग गाइस. थैंक यू फॉर कमिंग. क्लियर है सब कुछ एकदम. यहाँ की सबसे अच्छी खास बात यही है बुक ही बुक है चारों तरफ. कोई सी बुक जो पसंद है आपको उठा लो. थैंक यू ब्रो. सो गाइस भाई और जा चुके हैं अभी घर के लिए. एंड मुझे आ रही बहुत तगड़ी नींद को सुबह कॉल टाइम बहुत जल्दी का है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्लीप. एंड अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो. एंड कल हम लोग करने वाले हैं और भी ज़बरदस्त एक्टिविटी. एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. जब तक के लिए बाय एवरीवन.